अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद सुलेमान मलिक एबी9 न्यूज में आपका खैर मकदम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आज जो है सो मैं एबी9 चैनल के रिपोर्टर मोहम्मद फखरुद्दीन की जाने के उनके तरफ से जो है सो मैं एक बयान देना चाह रहा हूँ। जो सो इजहार करे बोरा बड्डी की हालात के ऊपर कुछ बोलिए बोल के इजहार करे, तो इसलिए जो सो मैं आज प्रेस में आया एबी9 चैनल के लिए बोरा बड्डी के हालात के ऊपर कुछ बोलना चाह रहा हूँ। आज मैं कितना भी करो एक बोरा बंडा जो एक ऐसा है बंगारा बंडा है, अल्हम्दुलिल्लाह बंगारा बंडा हो चुका है। इसलिए जैसे हमारे जो बोरा बंडे के जो कारपेंटर और जो शहर के डिप्टी मेयर मोहम्मद बाबा फसीउद्दीन साहब जैसे हमारे बोरा बंडे के ऊपर एक साय की तरह है हर आदमी के लिए। जैसे रात और दिन जो है सो मेहनत कर रहे, दो टाइम जो है सो सैनिटाइजेशन पानी का हो रहा है और हर वो लीडर एक्टिव है बोरा बंडे का, और हर लीडर से जो है सो दिन में 3 से 4 बार जो है सो बात करते एरिया के हिसाब से क्या चल रहा। और जो है सो एरिया वाइज में जो है सो 2 टाइम खाना एरिया के हिसाब से, जहाँ बोरा बंडे में जैसा वीकर सेक्शन है जहाँ पब्लिक जो गरीब जो जरूरतमंद लोग है वहाँ पर जो है सो 2 टाइम खाना बांटाया जा रहा। फिर हटके भी लोग जो है सो फोन कर रहे थे उनको पैकेट्स में खाने के, एक पैकेट एक घर को एक पैकेट दे दे रहे, उनका ख्याल क्या है घर में 5 जने तो 5 पैकेट के ऊपर रहे, 6 जने तो 6 पैकेट के ऊपर रहे। वो जो यूपी के बिहार के लोगों के लिए उन लोगों के लिए जो सो खाना फूड भी डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, और एरिया के अंदर जो है सो एक माहौल जो है सो एक पूरे लीडरों को लेकर जैसे एक फैमिली के ऐसा बोरा बंडे के हमारे एक फैमिली के बड़े जो सो मोहम्मद बाबा फसीउद्दीन डिप्टी मेयर साहब, एक हमारे फैमिली में एक दादा जैसा बड़े लोग घर के जो बड़े रहते वैसे हमारे मोहम्मद बाबा फसीउद्दीन डिप्टी मेयर साहब जो है सो बोरा बंडे में वर्क कर रहे हैं सुबह से लेकर रात में 2-2, 3-3 बजे तक भी। अगर कोई एरिया से फोन आ रहा कांटेक्ट आ रहा कि फलाना ये है, तो एरिया के वैसे जो बीमार है उन लोगों को एम्बुलेंस गाड़ियों का इंतजाम कर रहे हैं। और परसों में एक हालत में एक जना 37 से जना आया कि उनको हर जगह हर हफ्ते में 3 या 4 बार जैसे पंजागुट्टा जाकर डायरेक्टली प्रॉब्लम है हमारे वालदा को लेके आना है, डिपार्टमेंट वाले रुका रहे हुए बोल तो आप अपने खुद के लेटर्स पे लिख कर दिए कि भाई ये प्रॉब्लम है ये टाइम से नहीं जाता बोल के। जैसे बोरा बंडे सेक्टरी से घने साहेब आए थे उनके लिए ऐसे प्रॉब्लम कई ऐसे प्रॉब्लम्स है जो सो आप बोल नहीं सकते मैं, क्योंकि हालात को देखते हुए जो सो और जो वर्क कर रहे हैं आप, अल्लाह उनको सेहत दे उनको ताकत दे, ऐसा आदमी और ऐसा खाए जो सो हमारे बोरा बंडे के लिए फिर कभी हमको मिलेगा नहीं। इसलिए हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह उनको सेहत दे ताकत दे, क्योंकि उन्होंने बोरा बंडे के अंदर डिवीजन के अंदर रात और दिन जो काम कर रहे हैं खाने से लेके पैकेट्स वगैरह राशन, और जो सो दिन से 2 टाइम या 3 टाइम ग्रुप से बात करते और हटके बोरा बंडा रहते हुए हटके भी जैसे उसमें जो वक्त निकाल के जैसे आप शहर का भी दौरा कर रहे हैं, अब जैसा मलकपेट जहाँ जहाँ एरिया में जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आ रहे वहाँ भी राशन भी पहुँचा रहे हैं। और हमारे हरदीर अजीज जो KTR मिनिस्टर साहब जैसे हाल में उनको ट्वीट करें फलाने एक जगह प्रॉब्लम है बोले तो इमीडिएट आप पहुंच के जाके रात रात जो है सो उनको जो सो दूध की पैकेट वगैरह राशन वगैरह पहुंचाए। ऐसा एक्टिव कई काम है जो मैं आपको इतनी देर में मैं नहीं बोल सकता उनके वर्क के ऊपर उनके काम के ऊपर। देखो साहब एक बात बता रहा हूँ मैं, जो आदमी काम करेगा बराबर अल्लाह ताला उसको कामयाब देगा उनकी सेहत देगा, ये बात मेरे को मालूम है। कोई मैं उनकी तारीफ करने के लिए यहाँ बैठा रहे हूँ, हकीकत बात बता रहा हूँ। बोरा बंडे के लिए जो हमारे मोहम्मद बाबा फसीउद्दीन डिप्टी मेयर साहब हमारे बोरा बंडे के बड़े हैं शहर के डिप्टी मेयर है, और बोरा बंडे में जितना वक्त निकाल कर भी जैसे बाहर शहर का भी आप दौरा कर रहे हैं जहाँ जहाँ सैनिटाइजेशन प्रॉब्लम है जहाँ जहाँ जो प्रॉब्लम है वहाँ भी देख रहे हैं। और बोरा बंडे के लिए हम जैसे उनको तहे दिल से उनकी और उनकी जो टीम है जो एरिया बोरा बंडा साइड 1 साइड 2 साइड 3 पूरे विकर सेक्शन भारत नगर जो जो एरिया जो बस्ती के लीडर आए वो लीडरों को भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप रातों में बैठ कर जो है सो पब्लिक को 7 बजे के बाद बैठ के लोगों को आने नहीं दे रहे, रुका दे रहे, दिन में भी वर्क कर रहे रात में भी वर्क कर रहे, आपके साथ पूरी टीम को जैसा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे भाइयों के लिए मैं नमस्ते अदा करता हूँ कि जैसा आप इतना वर्क कर रहे हैं ये मेरे दिल से तहे दिल से मैं आप लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ। कि और हमारे जो चीफ मिनिस्टर है CM साहब KCR साहब की भी जो फिक्र है दूरंदेशी है उसको भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। पुलिस डिपार्टमेंट जैसे रात दिन काम कर रहा है उनको शुक्रिया अदा करता हूँ, हेड डिपार्टमेंट को GSMC वर्क को और मीडिया के जो लोग हैं रात दिन काम कर रहे हैं उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।